जब दुल्ला के अंगना में रुत आई बाहर की जब दुल्ला के अंगना में रुत आई बाहर की जब दुल्ला के अंगना में रुत आई बाहर की जब दुल्ला के अंगना में रुत आई बाहर की जब दुल्ला के अंगना में रुत आई बाहर की जब दुल्ला के जब दुल्ला के अंगना में रुत आई बाहर की जश्न ईद मिला दुन पे आमद है सरकार ईद मिला दुल्नबी आमद है सरकार की जश्न 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 ईद मिला दुल्नबी आमद है सरकार की जब दुल्ला के आई बाहर की जब दुल्ला के आई बाहर की जश्न ईद मिला दुल्नबी आमद है सरकार की जश्न ईद मिला दुल्नबी आमद है सरकार की
जी जश्न खून मिला गुलाबी कयामत है सरकार के सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा सरकार की जश्न ईद मिला गुलाबी है आमद है सरकार की जश्न ईद मिला गुलाबी है आमद ईद मिला गुलाबी है आमद है सरकार की जश्न ईद मिला गुलाबी है आमद है सरकार की जश्न ईद मिला गुलाबी है आमद है सरकार की जश्न ईद मिला गुलाबी है आमद है सरकार की रसूल वाली गुलाम रसूल का यही अंदाज हुआ करता पूरी दुनिया में जो आप इसका हमें इनाम दे रहे हैं नारे रिसाला नारे रिसाला सरकार की आमद सरदार की आमद सरदार की आमद हुजूर की आमद कुरवेर की आमद कुरवेर की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद सत्तार की आमद सत्तार की धूम मचा दो मचा दो अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो वो भी हाथ उठा करके बोले सरकार की आवाज सरकार की आवाज आका की आवाज आका की आवाज कई हद की आवाज हुजूर की आवाज कुरबान की आवाज मदनी की आवाज मक्की की आवाज मदनी की आवाज सरदार की आवाज लजपाल की आवाज डाली डाली पत्ती पत्ती दीवाना ये बोला डाली डाली पत्ती पत्ती दीवाना ये बोला आज दुनिया भर का हर एक मुसलमान बोला वो धूम मचा दो मचा दो धूम मचा दो मचा दो धूम मचा दो आमद की आगे सरकार धूम मचा दो आमद की आगे सरकार सरकार की Yeah.
होशियारों बोलो मुसलमानों बोलो मेरे नबी की आवाज़ मेरे नबी की आवाज़ लहराकर बोलो शर्माना छोड़ो भोला जाना छोड़ो कहीं जोर की आवाज़ कहीं जोर की आवाज़ के आज न बोलोगे तो बोलो कब बोलोगे प्यारे मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का नूर दिल गुना तेरा दे डाल सबका नूर का पूरी दुनिया में नबियों के नबी तमाम नबियों ने कहा अल्लाह से इल्तिजा की कि हम नबी की उम्मत होते लेकिन अल्लाह ने हम कमारों हम गुनहगारों को उम्मत बना उम्मत ही बना दिया सुभान अल्लाह कहो सुभान अल्लाह नफरत को मिटाने आए हैं दीवाना बनाने आए हैं नफरत को मिटाने आए हैं दीवाना बनाने आए हैं दुश्मन को भी अपने सीने से सरकार लगाने आए दुश्मन को भी अपने सीने से सरकार लगाने आए हैं अरे गिरतों को उठाने आए हैं रोतों को हंसाने गिरतों को उठाने आए हैं रोतों को हंसाने आए हैं सरकार दो आलम हम सबको दोजख से बचा ले रब का इंतखाब है रब का इंतखाब है रब का इंतखाब है रश के महताब है रश के महताब है रब का ये अल्लाह अल्लाह कह रहा है रब का इंतखाब है रश के महताब है
मोहम्मद का एहतराम नहीं, खुदा के सामने उनका कोई मकाम नहीं। मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है, लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है, नबियों में गुलाम है, नबियों में गुलाम है, नबियों में गुलाम है, नबियों में गुलाम है, नश्क महताब है, नश्क महताब है, नबी का इल्तिहाब है, मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है, लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है, लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है। हर उम्मत को उनका वसीला महशर में काम आएगा। जो आगे है वो पीछे आ जाए, जो आगे है वो पीछे आ जाए। शेर सुनो वापस को या रसूल अल्लाह, और यहाँ पर बोलो या रसूल अल्लाह। हर उम्मत को उनका वसीला महशर में काम आएगा, बे वसीला वाला जो है दोजख में जाएगा, क्योंकि मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है, 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 ये सदकाए हुसैन है, ये सदकाए पूरा हाथ को उठाकर बोलिए, ये सदकाए हुसैन है, ये सदकाए, ये सदकाए, ये सदकाए हुसैन है। क्या सदकाए हुसैन समाज करे, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है, पहाड़ काट के आबाद होना, हम अपना पूरा घराना कटा नहीं सकते, इस इम्तिहान में सादात होना पड़ता है, मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है, 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 मेरे नबी लाजवाब है।
बहुत बुलंद आवाज है गुलामों का, बहुत बुलंद, बहुत बुलंद। अब देखना आगे वाले, अब देखना पीछे वाले की आवाज कितनी बुलंद है। सरकार की
सब पल गए मौलाई है, सब पल गए मौलाई है, हम पल जतनी पल जतनी पल जतनी करता हूं कि तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते। और पूरा मजमा हाथ कर दो यार, इस्तकबाल करो शेर का, दो सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा शेर पढ़ने जा रहा हूं, बहुत अच्छी महफिल, बहुत अच्छे लोग, और नबी की आमद में शरीक हुए, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं। पूरे हाथ उठा करके इस शेर का इस्तकबाल करें। तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, और मांगो तो जान देंगे मोहम्मद के नाम पे। मोहम्मद से प्यार करता हूँ, मोहम्मद से प्यार करता हूँ, मेरी किस्मत में भूल गए शायद इसलिए इंतजार करता हूँ, मेरी किस्मत में भूल गए शायद इसलिए इंतजार करता हूँ, जब मैं कदर नहीं मुझको मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ। अरे सर भी तुम देख लेना, कमले वाले का सिक्का चलेगा, रोजे में सर भी तुम देख लेना, कमले वाले का सिक्का चलेगा, चलेगा रोजे में सर भी तुम देख। सरकार की आवाज, सरकार की आवाज, मरहबा सरकार की आवाज, मरहबा सरकार की आवाज, मरहबा। खुशियां मना रहे हैं हम आशिक नबी है, खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे, राजा का हिंदुस्तान, हमारा
कबीर ख्वाजा हर गांव हर नगर में होते कबीर ख्वाजा हर गांव हर नगर में उसके नबी का हर सुर शम्मा जला रहे हैं हम आशिक नबी है खुशियां मना रहे हैं हम आशिक नबी है वो देखो हसन ख्वाजा वो देखो हसन ख्वाजा हर शहर हर नगर वो देखो हसन ख्वाजा हर शहर हर नगर में मसीना सब मिशन का मसीना सब मिशन का संता बचा रहे है खुशियां मना रहे हैं सरकार की आवाज सरकार की आवाज सरकार की आवाज सरकार की आवाज लखनऊ की आवाज लखनऊ की आवाज आका की आवाज हरी हरी सारे मिलके कर दो बच्चे जवान बूढ़े हर ताई हलीमा को इस जुलूस में मुतमान नगर पालिका और पूर्व जवाहर के अतराब के पूरे शासन प्रशासन चारों अंजुमन के लोग और अतराब के लोग शामिल हुए। मैं तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमर अमर के मौके पर आप इस्तकबाल के लिए सरकार के जुलूस में शरीक हुए और शिरकत के स्वागत हासिल किए हुए। हजरात मैं आपको बता दूं कि जुलूस में शरीक होना आपका अगर कबूल हो गया तो आपके ये कुछ दफा गले दरों की बात कयामत के दिन गवाही देंगे और ये जरिए निजात हो जाएगा
जब ये मिजाज बन जाएगा ये जुलूस अमन अमान और शांति का पैगाम देता है। वैसे भी सलाम अमन अमान और शांति का पैगाम देता है, भाईचारगी का पैगाम देता है और हमारा हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसमें गंगा जमुना की तहजीब एक भाईचारगी मिलजुल कर रहने इखलाक मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करने का पैगाम देता है। और बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, भाईचारगी के साथ रहते हैं और वैसे भी हमारा मजहब इस्लाम भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देता है। तो हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करना चाहिए। हज़रात मोहतरम, ये जुलूस अमन अमान और शांति का पैगाम देता है। ये जुलूस में हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए, ये जुलूस कोई आम फहम जुलूस नहीं है। आज पूरी दुनिया के अंदर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है और क्यों ना मनाया जाए, इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद आमद के सदक़े में सारी कायनात की तख़लीक़ हुई। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तो हम हर साल यौमे आज़ादी मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, मगर आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, 12 रबीउल शरीफ का दिन है, तो आज पूरी दुनिया को जो है आज़ादी मिली है क्योंकि हमारे आका मुल्क अरब में शहर मक्का में और 12 रबीउल तारीख के पीर के दिन सुबह शादी के बाद तशरीफ लाए हैं, तो पूरी दुनिया को आज़ादी मिली है। हमारे आका अगर दुनिया में तशरीफ न लाते तो आज न कोई इंसान होता, न ये ज़मीन होती, न आसमान होता, न चांद सूरज सितारे होते, यानी कुछ भी न होता। तो पूरी दुनिया के अंदर पूरे इंसानों पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एहसान है। सरकार जब तशरीफ नहीं लाए थे तो जानते हैं के पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था और बेवाओं का कोई इज्जत नहीं था, इंसान एक दूसरे इंसान का दुश्मन था, गुनाहों का बाजार गर्म था, मगर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका बता दिया, औरतों के मकाम को ऊंचा किया है। आज औरतें जो मौजूद है हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का सदका है, और अगर हमारी माँ ना होती तो हम और आप नबी होते, ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम का सदका ही है। मैं आपको जुलूसे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके के हवाले से एक और पैगाम देता हूँ कि आज हमारा माशरे के अंदर बेशुमार बुराइयां पैदा हो गई है, इसलिए उन तमाम बुराइयों को खत्म कीजिए, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद और मोहब्बत कायम कीजिए, हक बोलिए। नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका, या हबीब या रसूल आपका तशरीफ लाना, वक्त था कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना, पूरे गाती थी तराना, या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। अस्सलामु अलैकुम।
फरमा, हिंदुस्तान में अमन अमान और शांति अदा फरमा, और हिंदुस्तान के अंदर जहाँ कहीं भी कोरोना वायरस संबंधी आ रहा है अपने भावों के आमद आमद के सदके में इस वबाई मर्ज को खत्म अदा फरमा, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में तफा के तहान महत्व अदा फरमा, भाई चौगे के साथ जिंदगी गुजारने के तौफीक अदा फरमा, में जो लोग परेशान हाल उन्होंने परेशानी को अदा करना, जो लोग बीमार हाल उन्होंने जिसमानी मुराद अदा करना, जितने लोग जुलूस में शरीक हुए तमाम लोगों को प्यारे अकाली सलाह सलाम की अमर का सबका अदा करना, सब पर अपना खास सब्र करना, रहम करना, करम करना, हुजूर अलैहि सलातो सलाम की इश्क मोहब्बत की जिंदगी गुजारने की तौफीक अदा करना, हम सब की इस्लामी जिंदगी ईमानी मौत नसीब अदा करना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।